नमस्कार, आज हम बात करेंगे आश्लेषण नक्षत्र के बारे में। व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल चैनल में आपका स्वागत। आश्लेषण नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अबाउट द गर्ल्स एंड वुमेन। जो लड़के होते हैं दे रिफाइंड बिहेवियर, मतलब उनका जो बिहेवियर होता है बहुत नीट होता है, साफ सुथरे ढंग से लोगों से पेश आते हैं, बोलने का सलीका तरीका इनको आता है, सो दे कैन प्रेजेंट देमसेल्व्स टू अदर्स इन ए वेरी रिफाइंड मैनर। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, और रिटर्न में इन रिटर्न दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये बड़ी खूबी है कि मदद तो करेंगे लेकिन ये उम्मीद नहीं करते कि मैंने इसको मदद किया तो ये मेरे लिए क्या करेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दे आर वेरी काइंड काइंड ऑफ पीपल, और कोई पॉम्प शो वगैरह में मतलब ऐसे दिखावा में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ये रेस्पेक्टफुल होते हैं और बड़ों की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते हैं, और कोई भी डिसीजन हेस्टी डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब सोच समझ के डिसीजन देते हैं। अच्छी बात है। यद्यपि ये आपसे कोई बात पे नाराज हो जाए या डिसएग्री हो जाए, आपसे बात पे असहमत हो, तब भी ये बैड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सलीके से तरीके से आपसे अपने जो डिसएग्रीमेंट है उसको एक्सप्रेस करेंगे। और इसलिए इनके इस व्यवहार के कारण में आश्लेषण नक्षत्र पुरुष होते हैं इनको समाज में सम्मान मिलता है, और इनमें इच्छा होती है कि जिंदगी में बहुत ऊपर जाए, टॉप में पहुंचने की इनकी इच्छा होती है। लेकिन जो जिंदगी में इनको सक्सेस मिलता है वो सक्सेस को वो ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, अच्छे सम्मानी बात है, लेकिन मोटा मोटी कहा जाए तो जिंदगी में सब कुछ मिलते हुए भी कुछ नहीं मिलता है आखिर में। आश्लेषण नक्षत्र का पुरुष का उदाहरण महात्मा गांधी। आश्लेषण नक्षत्र के जो लड़कियां होती है ये एकदम अपोजिट है वॉइस से, दे विल बी थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, दुनिया के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती हैं, अपने धुन में जिंदगी को जीती हैं। तो ये कह सकते हैं कि आत्मकेंद्रित होना, मतलब अपने एंगल से चीजों को सोचना, अपने एंगल से चीजों को एनालाइज करना और दुनिया की ज्यादा परवाह नहीं करना, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। एंड उनके जो एटीट्यूड होता है, लोगों से बिहेव करती हैं, जो इंट्रैक्शन करती हैं, उनमें बहुत बार लगता है कि बहुत टफ नेचर की होती है लेकिन बड़ी फ्रेजाइल होती है अंदर में, वेरी सॉफ्ट होती है अंदर में। दे बिलीव इन प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स, जिंदगी में जो निर्णय लेती हैं, जो काम करती हैं उसमें मॉरालिटी होती है, एथिकल्स होती है, ये झूठ नहीं बोलती, सच्चाई के साथ जीवन जीती हैं। लेकिन इनका जो मैरिड लाइफ होता है ये डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव्स एंड इन लॉज। यदि आपको कोई समस्या इस प्रकार कुछ है तो हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें जो कि है www.white.spiritual.com। मैं हूं इनका मान संतोष शर्मा, नमस्कार। You can log on to our website www.whitelotusspirituality.com. If you want to consult, then you can book online. If you want to buy Rudraksha and gemstones, also you can buy through this website. Thank you very much. Press the bell icon to receive our videos in future and do subscribe. Thank you.